गाइस वेलकम बैक टू द अनदर कॉन्कर सीरीज वीडियो। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर के भाई बंदे बाकी थे 32 और इस गेम में भाई क्या ही तबाही गेम प्ले होने वाला है, देखना आप एक बार। और ये जैसे कि मैं बताऊं कि जोन की अगर बात करूं तो जोन बना था गाटका के बीचों बीच, और भाई मेरे को ये वाला पोजीशन बहुत ज़्यादा सही लग रहा था ताकि यहाँ पे हिप था एक। और देखो हिप का फ़ायदा क्या होता है ना कि आप आराम से उसमें जाकर के होल्ड कर सकते हो, अगर बंदे उस लोकेशन पे आते हैं तो फिनिश भी कर सकते हो। उतने में यहाँ पर बहुत भसड़ चल रही थी, उतने में मैं यहाँ पे सुनता हूँ कि सामने से फाइट चल रही है और देखो अभी क्या होता है। यहाँ पे मैं बैरल कैस्ट फेंक देता हूँ और सामने वाला बंदा फिनिश हो जाता है। अभी देखो कुल मिलाकर के शॉट्स हर जगह से चल रही थी, फाइट्स हर जगह से हो रहे थे भाई, ठीक है। तो मेरे को यही कोशिश करनी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर में खेले और कोई बंदा आता है तो उसको फिनिश करे। तो उतने में देखो यहाँ पे मैं जैसे ही आ रहा होता हूँ, ये गाड़ी मेरे को पता नहीं कैसे नज़र आ जाती है, और भाई जैसे ही ये गाड़ी नज़र आती है मेरा निगाह सीधा सीधा सामने वाले गाड़ी पे ही होता है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे इस बंदे को फिनिश करना हमारा प्राइमरी मकसद था, तो अभी इस बंदे को कैसे अभी फिनिश करेंगे वो देखना। अभी ये सामने वाला बंदा ऊपर जाके पता नहीं क्या कर रहा था, देखो अभी। और भाई बैरल का भाई खतरनाक वाला स्प्रे आप देख रहे हो, तो इस बंदे को भी हमने बैरल से ख़त्म करा। और भाई एक लाइक बनता है इस बैरल के स्प्रे के लिए यार। तो देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे मैं बंदों का वेट कर रहा था, उतने में जस्ट यहाँ पे एक यूएजेड का मेरे को साउंड आता है, और आईएम का ही पूरा बहुत अच्छा खेल रहा था, और एक यूएजेड आता है जो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। मेरे को पता था ये डैमेज होगा, मेरे को हल्का सा शॉट्स लेना था इस पे, और मैं यहाँ पे इसको भी शॉट्स लेता हूँ और ये भी बंदा को फिनिश करता हूँ। कुल मिलाकर के अभी गेम बहुत ज़्यादा कंट्रोल में चल रहा था, 5 बंदे बाकी थे, लास्ट का जोन बाकी था, और मेरे को मालूम था कि भाई अभी सर्वाइवल और कैसे भी करके चिकन डिनर निकालना ही पड़ेगा। अगर चिकन डिनर प्राइमरी एस्पेक्ट होता है और प्लस किल चाहिए होते हैं आपको पर मैच 3+ किल, तभी जाकर के अच्छे खासे प्लस मिलते हैं अगर आप टॉप 5 सर्वाइव करते हो। तो देखो कैसे चिकन निकालेंगे इसमें वो देखो। अभी मैं बंदों का एक्सपेक्टेड कर रहा था कि भाई बंदा कहाँ होगा, कहाँ हो सकता है। उतने में मेरे को स्मोक दी जाता है, जब जस्ट लास्ट वाले स्लाइड में आपने देखा कि स्मोक दिखा मेरे को, और स्मोक में ही देखो अभी स्मोक, 2 स्मोक बना और अभी एक साउंड आएगा देखो इस बंदे का। तो भाई ये बंदा आकर के पेड़ के पास जस्ट आकर के रुक जाता है और यहाँ पे नेड मॉली वॉली करना स्टार्ट कर देता है। तो देखो इसने मॉली करा और ये दूसरा थ्रोवर्स जैसे ही निकाल रहा होता है मैं इसको बैरल से फिर से भर देता हूँ। अभी देखो लास्ट वाले बंदे को कैसे फिनिश करेंगे। सामने आप स्मोक दिख रहे हो, सामने स्मोक हो रखा है जस्ट उस 2 स्मोक के जस्ट राइट में, ठीक है। अभी देखना बंदा क्या करता है। यहाँ पे मैंने आपको स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश करी कि ये बंदा मॉली करता है, तो ऑन द रियल टाइम में मेरे को भी पता नहीं चल पाया था ये बंदा कहाँ हो सकता है। मैंने एक नेट करा, मेरे को लगा कि भाई एक जगह हो सकता है जो कि हो सकता है वो पेड़ का पास, और पेड़ के पास मैं यहाँ पे नेट करता हूँ लेकिन वो नेट फटता नहीं है वहाँ पे उस बंदे के पास। तो मैं क्या करता हूँ, हल्का सा लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ और यहाँ नेट कर देता हूँ, और आपको पता है अगर नेट हुआ है तो क्या हो सकता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, और जैसा कि आपको मालूम है कि भाई कॉन्कर की बहुत खतरनाक वाली पुश चल रही है इंडिया के टॉप 100 में जाने के लिए, तो भाई ये गेम प्ले कॉन्कर लॉबी के आप देख पाएँ, और हम लोग का रैंक चल रहा था 158।